चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो लगातार संक्रमण मध्य प्रदेश में पैर पसार रहा है। इंदौर और भोपाल में कोरोना से दो दो मौत दर्ज की गई है। दोनों जगह 5000 से ज्यादा केस मिले हैं। जबलपुर में भी एक की मौत और वहीं 807 पॉजिटिव पाए गए हैं। इंदौर में 24 घंटे में 3169 मरीज मिले। भोपाल में 2107 नए कोरोना मरीज। ग्वालियर में 5 महीने की नवजात की कोरोना से मौत हो गई। तो ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी कोरोना का साया। 1 से 10वीं तक के बच्चे ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। 26 जनवरी को होने वाले आयोजन को लेकर जो ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा, उसमें कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के बच्चे शामिल नहीं होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। परेड में एनएसएस, स्काउट गाइड और शौर्य दल भी शामिल नहीं होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है। सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर से निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं 26 जनवरी भी नजदीक और ऐसे में आयोजन को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है, जिसको लेकर यदि इंदौर की बात की जाए, इंदौर जो है शुरू से ही हॉटस्पॉट जो है कोरोना का रहा है। चाहे वो पहली लहर की बात की जाए, चाहे दूसरी लहर की बात की जाए, इस बार भी कोरोना जो है भोपाल में, इंदौर में काफी पैर पसारे हुए। जो आज का जो आंकड़ा सामने आया है, 3372 मरीज इंदौर में मिले हैं, जिसमें एक की मौत भी हुई है। साथ में भोपाल की बात की जाए तो 2107 मरीज भोपाल में मिले हैं। अभी अगर कल का आंकड़ा देखा जाए तो 1900 के लगभग मरीज भोपाल में मिले थे, लेकिन जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है तो वास्तव में काफी चौंका देने वाला है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात की अभी एक ही दिन में पिछले 5 मौतें भी दर्ज की गई हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें 5 साल की नवजात बच्ची जो है इंदौर में मौत हुई है और हमीदिया अस्पताल में भोपाल में भी एक मौत हुई है, इसके साथ में इंदौर भी मौत हुई है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 5 मौतें जो है दर्ज की गई है। लगभग 68,000 से ऊपर जो एक्टिव केस इस समय प्रदेश में मौजूद है, इस समय जो एक्टिव केस है वो 68,000 के पार हो चुके हैं। और वही बात की जाए अभी की तो 11,000 से ऊपर जो है पूरे प्रदेश में एक्टिव मरीज जो मरीज कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। इसका जो असर है वो 26 जनवरी की जो परेड है उस पर भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से तैयारियों की बात की जाए तो बच्चों के शामिल होने पर जो है रोक लगा दी गई है। बच्चे अब पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चे किसी तरह के आयोजन में भाग नहीं लेंगे 26 जनवरी के। इसके अलावा लाल परेड ग्राउंड में जो आयोजन किया जाता है वहां पर भी पूरी व्यवस्था है प्रशासन करने के दावे कर रहा है। जिस तरह से हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, मास्क का भी स्टॉल वहां लगाया जाएगा, जिससे लोग जो भी आए उनको मास्क मिल सके और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन एनसीसी और जो एनसीसी का जो कार्यक्रम होता था वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं बच्चों पर जो है पाबंदी लगा दी गई है बच्चों के आने पर। तो हालांकि इस बार भी 26 जनवरी जो है काफी फीका रहने वाला है, क्योंकि कोरोना का असर इस पर भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल नीरज, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों का जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही साथ आयोजनों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। बने रहिए आपके पास, फिर लौटेंगे। तो इंदौर और भोपाल में कोरोना से दो दो मरीजों की मौत हुई है। कुल संख्या अगर इंदौर और भोपाल की बात करें तो 5,000 से ज्यादा संक्रमित सिर्फ राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में।